500 साल पहले कैक्टस नाम की चीज पुराने दुनिया में नहीं थी। ये बड़ी डाइवर्स फैमिली है, इसके अंदर मतलब कैक्टस नुमा भी हैं तो पत्ते नुमा भी हैं। उन लोगों ने उसको सोने के तोल से बेचा। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करें पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे चल रही है जयपुर सीरीज, मैं कवर कर रहा हूँ जयपुर के डिफरेंट टेरेस गार्डन। और फिलहाल हमारे चैनल पे बने हुए हैं के अग्रवाल जी। जी हाँ दोस्तों, पिछले 3 से 4 पार्ट से लगातार के अग्रवाल जी के साथ हूँ मैं, और उनके डिफरेंट प्लांट कैटेगरीज पर हम बात कर रहे हैं। उनके कलेक्शन को मैं आपके सामने ला रहा हूँ और बहुत ही सुंदर, बहुत ही रेयर कलेक्शन है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम शूट करने जा रहे हैं यूफोरबिया प्लांट्स के ऊपर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज के अग्रवाल जी अपना यूफोरबिया प्लांट का जो भी उनका कलेक्शन है वो आपको दिखाने वाले हैं, साथ ही में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं काफ़ी सारी केयर टिप्स, सॉइल मिक्सचर, वाटरिंग, सभी चीज़ों पे बात होने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। स्किप करते हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। और एक बार और बताना चाहूँगा कि के अग्रवाल जी के साथ ऑलरेडी हमने 3 वीडियो शूट कर ली हैं, जो कि अडेनियम, कैक्टस और हवर्तिया प्लांट पे, लिथॉक्स पे भी हमने बात करी है। तो अगर आपने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो अभी के अभी वो सारी वीडियोज़ भी ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलने वाला है, तो आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम जा रहे हैं शूट करने यूफोरबिया प्लांट, तो आप इस वीडियो को भी पूरा देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बने बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये यूफोरबियाज हैं। यूफोरबिया काफ़ी पौधे तो ऐसे लगते हैं जैसे कैक्टस हो, पर ये नहीं, ये बिल्कुल अलग फैमिली है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपको मैंने लिथॉक्स दिखा है वो साउथ अफ्रीका के हैबिटेट वो है। आपको कैक्टस है वो खाली अमेरिका के हैं। 500 साल पहले कैक्टस नाम की चीज़ पुराने दुनिया में नहीं थी, और ये भी हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। जब पहला पौधा वहाँ से लाया गया तो शायद स्पेन या यूरोप में जो भी लाए थे उन लोगों ने उसको सोने के तोल से बेचा। एक तरफ पेड़ था, एक तरफ सोना था, इतना वो था। और उसी हिसाब से यूफोरबिया फैमिली है, और ये बड़ी डाइवर्स फैमिली है। इसके अंदर मतलब कैक्टस नुमा भी हैं तो पत्ते नुमा भी हैं। और सबसे अच्छा तरीका इसको टेस्ट करने का है, इसके अंदर कुछ पिंच होते हैं तो दूध निकलता है, तो उससे पता कर सकते हैं कि यूफोरबिया है। प्लस फूलों से तो होता ही है, तो यूफोरबिया के फूल हैं। परंतु एक चीज़ ध्यान में रखने का है, कभी कोई देखे हैं तो उसका जो जूस है वो दूध है, बड़ा जहरीला होता है। एक बार की बात बताओ कि कोई बॉटनी के स्टूडेंट मेरे पास आए थे, क्या बाई चांस मैंने उनको बताया कि भाई मेरे पेड़ में डिजीज़ है, आप इसको डायग्नोस करके बता सकते हैं क्या क्या चीज़ है। तो उन्होंने चक्कू उठाया और वो उसको निकाल लेने का उसका छिलका। तो मैंने कहा इसका ध्यान रखना, क्योंकि छींटे लग जाते हैं तो बड़ा तकलीफ़ होती है आँखों में चला जाए। तो इतने में वो तो अपनी होशियार समझते थे, उन्होंने उसको काटा बदतमीजी से और वो एक छींटा उनके आँख में चला गया। ओहो, मेरे को उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, इतना दर्द हुआ उनके, क्योंकि चिपकने लग जाता है वो तो बड़ा कष्टदायक होता है। परंतु इसमें बहुत अच्छे भी होते हैं पेड़, और बहुत ऑर्डिनरी लुकिंग भी होते हैं, पत्तेदारी भी होते हैं, और बहुत वैरायटीज़ होती हैं इसमें। जैसा आप देखा इतना बड़ा क्लम बन गया है, एक पूरा यूफोरबिया, ये यूफोरबिया हो गया, क्लंप हो गया, अपन इतना फैल के वो सुंदरता ख़त्म हो गई। ये भी पेड़ है जो यूफोरबिया है, इसका तो बड़ा पेड़ था मर गया, तो उसकी कटिंग मैंने लगा ली
कि कितनी रह जाती है ठीक है, नहीं तो मर तो गया ही। ये भी यूफोर्बिया है, ये भी यूफोर्बिया है, ये तो यूफोर्बिया वलीडा है नाम है, देखिए वो भी यूफोर्बिया है, पत्ते से भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब यूफोर्बिया है। ये देखिए साहब, ये यूफोर्बिया है, या अपने यहाँ के राजस्थान का ही है, यहाँ पहाड़ों में टीबोंग बहुत होता है, इसका नाम है यूफोर्बिया निरुलिफोलिया। और ऐसा ही सिमिलर कैक्टस ये है जिंदे लोकबाग गांव में खेतों की माड़ पे भी लगाते हैं, और इसका बॉटिकल नाम है यूफोर्बिया कोटिसिफोलिया। बहुत पहाड़ों में भी होता है अपने डेजर्ट राजस्थान में, और ये भी यूफोर्बिया है दोनों पेड़। और इसके पास में वो है छोटी छोटी टहनियों का, वो भी यूफोर्बिया, और ये भी यूफोर्बिया है। आपने देखा अभी गए दिनों में बहुत सारे फूल आए हुए थे, अब तो इनमें बीज आ गए। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या बताऊंगा कि इसका बीज कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, और यह बीज बस्ट होके कम से कम 10 फुट तक दूर चला जाता है बिखरने के हिसाब से। और तो कई बार बीज कलेक्ट भी करते हैं तो इसके ऊपर कोई हर पतला कपड़ा बांध देते हैं ताकि वो फूट कर उसी में रहे, इसमें कोई स्प्रिंग एक्शन होता है कि वो बीज को दूर फेंकता है। और में तो देखिए यहाँ ऐसे ही रेगिस्तान का पौधा है, रेगिस्तान में हो जाता है, पर वही सॉइल जो मैं और डेनियम वगैरह उगाता हूँ वही सॉइल रखता हूँ इसके अंदर। और ये तो वन ऑफ द हार्डीज है यहाँ के लिए, तो यहाँ तो इसको बेचारे को बाहर काट पीट के जड़ निकाल के 4-5 महीने भी पड़े रखो तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा दुबला हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, और दोबारा लगाओगे तो लग जाएगा। काट के टहनी भी लगाई जा सकती है इसको। मैं जैसे फोर्बिया की सर वाटरिंग कैसे करनी चाहिए? वाटरिंग तो आप, मैंने कहा तो हार्डी पेड़ है, इसके तो आप केयर बिल्कुल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, केयर करेंगे तो थोड़ा सुंदर बन जाएगा। पानी वगैरह तो जैसे और चीज़ों में देते हैं वैसे इसमें दीजिए, ऐसा ये नखरे वाले पेड़ नहीं है कि आपको छोड़ के चले जाए। हार्डीज है, मैं तो इसलिए ये दो तो इसलिए लगा रखे हैं यहाँ वाले ताकि बाहर वालों से हम कंपेयर कर सकें इनको, और कईयों को बता सकें भाई हमारे यहाँ भी होते हैं, हमारे इंडिया में भी होते हैं प्लांट्स हैं हमारे यहाँ। राइट ये ऊपर भी आज हैं। नाइस। क्योंकि कुछ ऐसा भी हुआ है, बाहर वाले आए थे हॉर्टिकल्चर वाले अमेरिका से जी, तो वो बोले था हमको तो देखना है कहाँ होता है क्या होता है, तो हमको लेके जाना पड़ा जी पहाड़ों के अंदर दिखाने को, तो यहाँ देख लो भाई यहाँ सर ने अपने टेरेस गार्डन में ही लगा रखे हैं। और फिर हमारे चीज है तो हम बिल्कुल रखें, तो जब हमारे भारत में है तो हमें ज़रूर रखना चाहिए। ये भी यूफोर्बिया विथ लीफ, इसमें भी आजकल काफ़ी हाइब्रिड्स आने लग गए हैं। एक यूफोर्बिया मिली तो बड़ा कॉमन हो चला है, उसमें भी बड़े फूल आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 इंच डाई के भी फूल आते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। अब इसमें ये देखिए, ये अलग ही यूफोर्बिया है, जैसे यूफोर्बिया ये देखिए, ये यूफोर्बिया है, ये पूरा फैला हुआ है नीचे तक, वो यूफोर्बिया है। ये भी यूफोर्बिया है, वो एक सुंदर उग गया है, पूरा गमला कवर कर दिया उसने। ये भी ऊपर भी है, वो भी ऊपर भी है,
तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फाइनली हमने के अग्रवाल जी के साथ लगभग 4 से 5 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। अलग अलग प्लांट की कैटेगरी पे हमने बात करी है। हमने कैक्टस, अडेनियम, हावर्थिया, लिथोप्स और यूफोरबिया सभी तरह के प्लांट्स आपको दिखा दिए हैं। और भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं सर के पास, लेकिन जैसा कि अभी टाइम काफ़ी हो चला है, आफ्टरनून हो गई है, सुबह से दोपहर हो चुकी है मुझे यहाँ पे, लेकिन जितना भी हमने कवर किया है काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम जब मैं जयपुर आऊँगा तो इनके बाकी भी प्लांट्स की कैटेगरी भी बात करने वाला हूँ। आपको वीडियोज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप चाहते हैं मैं सर के पास दोबारा कभी विजिट करूँ तो उसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा। इनकी कलेक्शन कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। लगभग 50 साल से सर गार्डनिंग कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है सर को, और काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन है इनका। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं रेयर कलेक्शन सर अपने पास रखना पसंद करते हैं, तो उस टाइप के मैंने सारी की सारी कलेक्शन आपको दिखा दी है। सो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर चल रही है जयपुर सीरीज, अभी मैं जयपुर में और भी काफ़ी सारे टेरेस गार्डन में विजिट करने वाला हूँ, तो चैनल को आप ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। मैं भारत के अलग अलग स्टेट में विजिट करूँगा और वहाँ के भी आपको टेरेस गार्डन जरूर अपने चैनल पर दिखाने वाला हूँ। तो इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जरूर फॉलो करिएगा। मिलता हूँ किसी और गार्डन में, तब तक के लिए बाय। years प्लस है ये, इसका पेड़ जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। सर्दी से भी मर जाता है, गर्मी से भी मर जाता है, तो ये ऐसा नहीं है। ये प्लांट भी और प्लांट की जैसे ही है, जैसे वो जीते मरते हैं वैसे ये हैं। एक प्लांट लाया था पूना से, और इसके मैंने मेरे ख्याल से ये कितने ही प्लांट्स मैंने बना दिए। ये प्लांट जो है ये कटिंग से लगता है, और जुलाई अगस्त जब तक बारिश होती है उसको बारिश से बचाइए।